हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई थिंक सो ऑल आर फाइन। बेटे आपने सारा पहले रिवाइज भी कर दिया होगा जो मैंने अब तक जो करवाया है। मैंने पहले आपको 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर नोइंग आर नंबर्स की कराई एक्सरसाइज, उसके बाद हमारी 1.2 एक्सरसाइज चल रही थी जो कि हमने क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 9। लेट्स स्टार्ट। What does question 9 says? To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed, right? To stitch a shirt, एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 meter 15 centimeter cloth की जरूरत है। Out of 40 meter cloth, 40 meter cloth में से how many shirts can be stitched? उस 40 meter cloth में से हम कितनी shirts stitch कर सकते हैं and how much cloth will remain? और कितना cloth बचेगा? Am I clear? I again repeat the question. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? Matlab, 2 meter 15 centimeter cloth is needed for one shirt. Right? 2 meter 15 centimeter cloth is needed for one shirt. Next statement kya hogi? 40 meter cloth is needed for. तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर वन शर्ट। जस्ट लुक ऑन द बोर्ड। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ। अच्छा, ये मैं ब्रैकेट अभी छोड़ी हूं, क्यों छोड़ी हूं दैट आई टेल यू लेटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर, यहां क्या लिखेंगे हम, वन शर्ट। Am I clear? Next, 40 meter cloth. So हमें क्या निकालना है? 40 meter cloth. इसके आगे भी मैं bracket छोड़ूंगी. Is needed for equals in one line. ठीक है, अब हमें निकालना है कि 40 meter cloth जो है वो कितनी shirts के लिए require होगा. Am I clear? और कितना cloth बचेगा? Am I clear? अब आप ये देखो, एक ये रूल होता है, हम डिवाइड कब करते हैं? अगर ज्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। या अब ये है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और ये है इक्वल की राइट हैंड साइड। दूसरा हम डिवाइड कब करते हैं, जब राइट हैंड साइड में क्या आता है, वन। जब राइट हैंड साइड में क्या आता है, वन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। मतलब हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, 40 मीटर को हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, कीप दैट इन माइंड। जब भी वन राइट हैंड साइड में आए, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है इक्वली, जब भी वन राइट हैंड साइड में आएगा हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, अब हमेशा डिवाइड सेम यूनिट में होता है, ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमें दोनों का यूनिट सेम चाहिए, इज दैट क्लियर। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में, जो कि मैं नहीं चाहती, वो मैं बताऊंगी क्यों। और इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए, पहले हम मैं उसको आई विल रब इट लेटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। 40 मीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मीटर विल बी इक्वल टू 40 × 100 सेंटीमीटर। Is that clear? 40 × 100 सेंटीमीटर जो कि किसके इक्वल होगा, 4000 सेंटीमीटर। समझ आ गया, यहां पर क्या आएगा, 4000 सेंटीमीटर ब्रैकेट में। ये हो गया क्लियर कि हमने इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करा। आगे है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर तो है ही है, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर, तो 200 में हम 15 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, एड। एम आई क्लियर, ये क्या बना, 215 सेंटीमीटर। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 215 सेंटीमीटर। समझ आ गया, तो अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। आप कह रहे होंगे कि मैम आपने मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट करा,
ये देखो ये 2 मीटर है, अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड। अब ये देखो एक बार, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे हम क्या करेंगे डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे जो रिलेशन है दैट इज 100। तो अगर मैं 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती हूं मैं 100 से क्या करूंगी डिवाइड, इज दैट क्लियर, ये क्या हो जाएगा मेरा 15/100 मीटर, इज दैट क्लियर और नॉट। ये किसके इक्वल हुआ 0.15 मीटर। अब मैं 0.15 को 2 मीटर में क्या करूंगी एड, ये आंसर क्या आया 2.15 मीटर, ये देख रहे हैं। तो ये पॉइंट नहीं आएगा जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब विचार तो हम मतलब क्या करेंगे 40 को हम 2.15 से डिवाइड करेंगे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इज दैट क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट ना करने के चक्कर में व्हाट आई हैव डन, मैंने दोनों यूनिट को किसमें कन्वर्ट करा सेंटीमीटर, ये स्टेप क्लियर हुआ है आपको। वंस अगेन यू सी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 40 मीटर इज इक्वल टू 40 × 100 विच इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर किसके इक्वल होगा 200 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर और हमने दोनों को क्या कर दिया एड, तो आंसर क्या आया 215 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। नाउ दिस वर्किंग देयर इज नो नीड टू शो, क्योंकि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ये वर्किंग दिखाई है, वी कैन डू इट डायरेक्टली। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 40 मीटर इज इक्वल टू 40 × 100 दैट इज 4000 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 2 × 100 200 सेंटीमीटर, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया 15, तुम्हारा आंसर क्या आया 215 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम 4000 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे 215 से, तो जो डिवाइड करके निकलेगा दैट विल बी आर नंबर ऑफ शर्ट्स, जो हमारा क्वेश्चन होगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा दैट विल बी आर क्लॉथ लेफ्ट। लेट्स सी, अब मैंने क्या करा, आई डिवाइडेड 4000 × 215, ठीक है। अब विल टेक फर्स्ट थ्री नंबर्स 400, पहले 215 को 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 5s are 10, 2 1s are 2 1 3, 2 2s are, ये हमारा क्या आया 430, तो ऑब्वियसली इट विल गो बाय 1, टेन माइनस 5 5, देख रहे हैं आप 9 − 1 8, 3 − 2 1, ऊपर से मैंने क्या कॉपी करा 0, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई बाय 6, हमें वो नंबर चाहिए जो इसके आसपास है, 6 से ट्राई करते हैं, 6 5 = 30, 6 1 = 6 + 3, 9 6 2 = 12, एक बार 7 से ट्राई करते हैं, 7 5 = 35, 7 1 = 7 + 3 = 10, 7 2 = 14, 1 15, आर यू सीइंग, यस और नो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। 7 भी इसके आसपास आ रहा है, एक बार और एक और नंबर से ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई बाय 8, 5 8 = 40, 8 1 = 8 + 4 = 12, 8 2 = 16 1 17, आप देखते जा रहे हैं जितना जितना हम आगे बढ़े जा रहे हैं नंबर इसके पास आ रहे हैं, हमें वो नंबर लेना है जो बिल्कुल इसके पास हो, एक बार 9 भी करके देख लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि इसके पहले वाला नंबर हमने लेना है। 9 लिया, 9 5 = 45, 9 1 = 9 + 4 13, 9 2 = 18 1 19, सो इट विल गो बाय 8, ठीक है ना। 5 8 = 40, 8 1 = 8 + 4 = 12, 8 2 = 16 + 1 17, लेट्स गो बाय 8, 1 7 2 0, 5 − 2 = 3, 8 − 7 = 1 − 1 = 0, हो गया कंप्लीट। अब और तो कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्वेश्चन है 18 आर द नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड एंड दिस मच सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। लेट्स राइट द आंसर, आंसर 18 शर्ट्स आर स्टिच्ड
एंड 130 सेंटीमीटर। अब एक ही देखिए, ये तो ऑब्वियसली आंसर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि जब हमारा दोनों नंबर्स जो हैं वो सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। या तो आप लिखो सेंटीमीटर या इसको मीटर और सेंटीमीटर में तोड़ दो। मतलब कैसे तोड़ेंगे, लास्ट के टू डिजिट्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मतलब लास्ट के टू डिजिट, क्योंकि 100 में 2 जीरोस हैं, लास्ट की टू डिजिट तो किसमें जाएगी, सेंटीमीटर में, और जो बची हुई डिजिट किसमें जाएगी, मीटर। एंड 1 मीटर 13 सेंटीमीटर क्लॉथ इज दिस क्वेश्चन क्लियर, इज इट क्लियर, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। क्या था, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट, 40 मीटर क्लॉथ इज नीडेड फॉर हाउ मेनी शर्ट्स। क्या बताया मैंने आपको, जब भी वन इक्वल के राइट साइड में आएगा हम क्या करेंगे, डिवाइड। हमने इन दोनों को क्या करा, डिवाइड, पर हमें क्या चाहिए, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। सो दिस आई कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर, दिस आई कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर, वो भी मैंने बताया क्यों नहीं करा मैंने मीटर्स में, क्योंकि आंसर हमारा किसमें आ रहा था, पॉइंट में। आम आर क्लियर, दिस आई एक्सप्लेन यू, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 40 मीटर इज इक्वल टू 40 × 100 4000 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। दोनों को हमने क्या करा, डिवाइड। व्हेन आई डिवाइड फर्स्ट इट गो बाय 1, 215 माइनस करा 10 − 5 = 5, 9 − 1 = 8, 3 − 2 = 1, ऊपर से हमने क्या कॉपी करा, 0, इट गोज बाय 8, 1720, रिमाइंडर क्या बचा, 130, क्योंकि आगे तो ये जा ही नहीं सकता, इज दैट क्लियर, क्योंकि डिविडेंड की सारी जो डिजिट्स है वो कंप्लीट हो गई। तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 18 शर्ट्स आर स्टिच्ड एंड जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज 130 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज, एम आई क्लियर, जस्ट गो थ्रू इट, लेट अस मूव टू द अदर वन। क्लियर, अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जस्ट सी 10th क्वेश्चन। व्हाट आई एम प्लानिंग दैट लेट अस डू 10th क्वेश्चन लेटर, थोड़ा हम इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ लेते हैं, सो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम प्लानिंग टू टेक क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। स्कूल और स्टूडेंट के घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब हर दिन उसने आना जाना किया, आया भी और फिर गया भी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। एम आई क्लियर, समझे ये क्या कहना चाह रहा है, कि स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर का है, तो वो स्कूल जाता भी है और आता भी है, इसका मतलब एक दिन में टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 1 किलोमीटर 875 मीटर जाने का, 1 किलोमीटर 875 मीटर आने का, यस और नो। तो हम दोनों को 1 किलोमीटर 875 मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, वेरी गुड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, तो एक दिन में तो उसका 1 किलोमीटर 875 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 डिस्टेंस कवर हुआ, आने जाने का हम टोटल करेंगे, 6 दिन में कितना हुआ उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6। लेट्स स्टार्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन 11। सो व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट, जस्ट सी,
क्या स्टेटमेंट, टेंथ इलेवन, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, सो व्हाट यू विल से, डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, एक बार तो वो गया और एक बार वो आया, डिस्टेंस तो वही रहेगा सेम, आने के लिए वो, और क्या कह रहा है वो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, हर दिन वो उसी पाथ से आता भी है और उसी पाथ से वो जाता भी है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो दोनों आने जाने में सेम रहेगा, हमारे क्या, तो हम क्या करेंगे, दैट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर मल्टीप्लाई, इज दैट क्लियर, या तो आप इसको दो बार ऐड कर दो या आप इसे क्या कर दो, उससे मल्टीप्लाई, लेट्स मल्टीप्लाई, किलोमीटर मीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 5s are 10, 2 7s are 14 प्लस 1 15, 2 8s are 16 प्लस 1 17, 2 1s are 2 प्लस 1 3, am I clear, 2 5s are 10, 2 7s are 14 प्लस 1 15, 2 8s are 16 प्लस 1 17, 1 कैरी ओवर या आगे जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा क्या हुआ, 3 किलोमीटर 750, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, सो व्हाट विल आई डू, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, अब मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, इक्वल्स इन वन आई राइट, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, अगर एक का दिया होता है और ज्यादा का पूछा जाता है, एक का दिया हुआ था और ज्यादा का पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 3 किलोमीटर 750 मीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई बाय 6, करेक्ट, लेट्स स्टार्ट, किलोमीटर मीटर 3 किलोमीटर 750 मीटर विल मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0s are 0, 5 6s are 30, 6 7s are 42 प्लस 3 45, 6 3s are 18 प्लस 4 20, ये देख रहे हैं आप, 6 0s are 0, 6 5s are 30 कैरी ओवर, 6 7s are 42 प्लस 3 45, 6 3s are 18 प्लस 4 20, तो आंसर सिंपल क्या लिखेंगे आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 22 किलोमीटर 500, एम आई क्लियर, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट वाई हैव आई स्किप्ड 10th क्वेश्चन इन बिटवीन, इसलिए छोड़ा है क्योंकि व्हाट आई थिंक कि आप एक क्वेश्चन डिफिकल्ट करो और एक क्वेश्चन आप इजी करो, नो नीड टू रन, आपको समझ आना चाहिए जो काम कर रहा है, सो आज हम दो ही क्वेश्चंस करेंगे, 9th और 11th, अब हमारे दो और क्वेश्चंस बचे हैं, देन वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, सो टुमारो आई विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, होप सो व्हाटएवर आई हैव डन इज क्लियर टू यू, बाय।